अच्छा, नजर जैसे लगे किसी लाला को या किसी लाली को तो नजर कैसे झाड़नी चाहिए, कोई मैया बताए जरा। मैं छोटा था, वृंदावन में पढ़ता था, तो मुझे नजर लगी थी। हूं तो नहीं इस लायक, वैसे शायद लगी हो। तो वो मैया हमें लेकर गई, आश्रम के पास में रहती थी। वो मैया बोली, लाला तुम्हें नजर लगी। मैंने कहा आपको कैसे पता? बोले खुशबू से पता चल रहा है। मैंने कहा वाह, विज्ञान इतना आगे हो गया है। वो लेकर के गई हमें और उन्होंने हमारी नजर उसारी। हमें आज तक याद है, वो इतनी सारी हाथ में मिर्च लेकर आई। अब मैं घबराया, हे भगवान क्या होने वाला है, एक साथ इतनी मिर्च पहली बार देखी थी। और उन्होंने खैर खिलाई तो नहीं, वो मिर्च ली और हमारे सिर पे उसारते उसारते ऐसे ही बोल रही थी, इनके टूटे हाथ, उनके टूटे पांव, इनके टूटे ये। अच्छा, उस दिन हमें बड़ा अजीब लगा। हमने कहा भाई नजर हमारी है तो दूसरे के हाथ पांव क्यों टूटे भाई, दूसरे ने क्या बिगाड़ा? और फिर उन्होंने वही मिर्च जो हाथ में थी वो जलते हुए चूल्हे में डाली। महाराज वो भस उड़ी, वहां से भागे। हमने कहा मैया आज के बाद ना नजर नजर आएगी और या ना ये नजर वाला नजर आएगा, अब कभी नहीं आएंगे। महाराज आज भी कभी हम उस गली से निकले ना वृंदावन में, तो वो मैया हमसे पूछती, लाला अब नजर तो नहीं लगी? हमने कहा मैया बाद इन तेमो लगी ना ये नजर, ऐसी तुमने झारी है। अच्छा, क्या सच में नजर ऐसे ही झाड़ना चाहिए? हमारा सनातन धर्म कहता है अगर किसी बालक बालिका को नजर लगे तो ऐसे नहीं झाड़ना चाहिए। ना आप देसी गाय की पूंछ से 7 बार उसारा करिए। कितने बार? 7 बार। हमारे बड़े महाराज जी तो कहा करते थे कि अगर, उनकी पुस्तक में मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर किसी बालक को नजर लगे तो देसी गाय की पूंछ के कहीं स्नान पूछ से झाड़ते समय कहीं पूछ के बाल अगर आपको मिले तो वो बाल लेकर के उसके तावीज बना करके बांध दी जाए। ये मेरा विश्वास है महाराज, कभी नजर नहीं लग सकती।